सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि आपको एफ फोर्स अप्लाई की जा रही है और 60 डिग्री विद द वर्टिकल एंगल गिवन है, मास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है और साथ में एक स्टेटमेंट गिवन है, बॉडी जस्ट एबल टू मूव। आपको बहुत क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें वर्ड जस्ट आएगा। तो जब ये वर्ड जस्ट आएगा और बॉडी जस्ट एबल टू मूव, यानी कि एक्सलरेशन देखते क्या पुट कर देनी है, जीरो। कई लोग, मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर बुक्स भी करती हैं, कई लोग नहीं बुक्स भी करते हैं, कंपोनेंट्स यही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये पहला कंपोनेंट है फोर्स का और ये दूसरा कंपोनेंट है फोर्स का। बहुत बुक्स आपको ऐसी दिखती हैं और मन भी ऐसा ही करता है, सच बताऊं मैं आपको, कि बंदा कहता है यही बना लो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, इससे गलती हो जाएगी, पक्का गलती होगी। तो आप ऐसा ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कंपोनेंट्स इसके हेड पे मत बनाएं, टेल पे बनाएं। टेल पे कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था, ये देखो आप इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोर्स क्या है, एफ। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसे सच दैट ये एंगल क्या है 60 डिग्री। एफ का एक कंपोनेंट है एफ कॉस 60 और एक कंपोनेंट है एफ साइन 60। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो ये स्टेप क्लियर है। तो सबने सबसे पहले जो डायग्राम बनाना है वो ऐसा डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्योंकि बॉडी जस्ट एबल टू मूव का केस है और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर हमने जीरो लेनी है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, गिवन है, ये गिवन है। तो आप इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, एन ऊपर है और एक वेक्टर नीचे ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है, वेट एम जी, ठीक, वेट एम जी। अब इसमें अगर आप ऊपर की फोर्स देखें वो एन है, नीचे की फोर्स देखें एम जी है, नीचे की और फोर्स देखें वो एफ कॉस 60 है। तो ऊपर की फोर्स एन इज इक्वल टू नीचे की फोर्स एम जी प्लस एफ इंटू कॉस ऑफ 60। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन, एन आ गया। अब क्योंकि बॉडी आगे कैसे मूव कर रही है, ये आगे की फोर्स है राइट डायरेक्शन में जो बॉडी को आगे लेके जा रही है, तो ये आगे लेके जा रही है और अपोजिंग फोर्स कौन बनेगी, फ्रिक्शन। तो आगे की फोर्स और पीछे की फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, ये आगे की फोर्स है एफ साइन 60, एफ इंटू साइन ऑफ 60 और पीछे की फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अब इसके अंदर एफ इंटू साइन ऑफ 60 म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एफ इंटू साइन ऑफ 60 म्यू 0.1 है और नॉर्मल रिएक्शन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये रहा एम जी प्लस एफ इंटू कॉस ऑफ 60। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एफ निकालना है। आपको एम पता है, जी पता है, कॉस 60 पता है, साइन 60 पता है, एफ निकाल लेना। कितना आंसर आ रहा है, 24.5, ऐसा है 24.5 के आसपास है, चेक करना प्लीज कितनों का ये आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का, कोई डाउट इसमें, ठीक है, मेथड क्लियर है, वन होती है रूट, हाँ वैल्यू पुट, हाँ डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो